सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से पांच स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने जो भी स्टॉक इसी वीडियो पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए एक रूल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है। अगर आप रूल का वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले रूल का वीडियो को देख लीजिए। अगर उसी रूल के वीडियो के हिसाब से ये स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपको ट्रेड करने के लिए एंट्री आ रहा है तो अभी आप उसी दिन वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड कीजिए। अगर किसी भी दिन रूल के वीडियो के हिसाब से ट्रेड सैटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप उसी दिन वो स्टॉक पे या निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ट्रेड मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो उसका नीचे एक लाल कलर का बटन है, वो बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमको कल कौन सा स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसे रहेगा, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। पहला स्क्रिप्ट पे मैंने भारतीय एयरटेल पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 323 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 324.95 है। स्टॉप लॉस आपको 327 पे रखना है। पहला टारगेट 319 और सेकेंड टारगेट 315 पे रखना है। अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 324 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करंट मार्केट प्राइस 325.35 है। स्टॉप लॉस आपको 328 पे रखना है। पहला टारगेट 320 और सेकेंड टारगेट 316 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट टू के बारे में जानते हैं। स्क्रिप्ट टू पे मैंने एशियन पेंट पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 1380 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1387.80 है। स्टॉप लॉस आपको 1395 पे रखना है। पहला टारगेट 1360 और सेकेंड टारगेट 1350 पे रखना है। अगर आप एशियन पेंट का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 1390 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1396 है। स्टॉप लॉस आपको 1405 पे रखना है। पहला टारगेट 1370 और सेकेंड टारगेट 1360 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, थर्ड स्क्रिप्ट पे मैंने कोल इंडिया पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 247 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 248.80 है। स्टॉप लॉस आपको 249 पे रखना है। पहला टारगेट 245 और सेकेंड टारगेट 243 पे रखना है। अगर कोल इंडिया पे आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 250 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 251.70 है। स्टॉप लॉस आपको 251 पे रखना है। पहला टारगेट 248 और सेकेंड टारगेट 246 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था थर्ड स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस। चलिए अभी फोर्थ स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, फोर स्क्रिप्ट पे मैंने भारतीय एयरटेल पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी और कैश मार्केट पे 324 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 324.95 है। स्टॉप लॉस आपको 328 पे रखना है। पहला टारगेट 320 और सेकेंड टारगेट 316 पे रखना है। अगर आप भारतीय एयरटेल का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 325 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 325.35 है। स्टॉप लॉस आपको 329 पे रखना है। पहला टारगेट 321 और सेकेंड टारगेट 317 पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्क्रिप्ट फाइव के बारे में जानते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट फाइव पे मैंने ग्रासिम पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है, तो इक्विटी कैश मार्केट पे 870 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। इसकी करेंट मार्केट प्राइस 872.35 है। स्टॉप लॉस आपको 877 पे रखना है। पहला टारगेट 862 और सेकेंड टारगेट 856 पे रखना है। अगर आप ग्रासिम का फ्यूचर मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, 877 पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। करेंट मार्केट प्राइस इसकी 879.60 है। स्टॉप लॉस आपको 884 पे रखना है। पहला टारगेट 868 और सेकेंड टारगेट 863 पे रखना है। तो दोस्तों, ये था पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, और ये पांच स्क्रिप्ट के अंदर मैंने पांचों स्क्रिप्ट पे शॉर्ट सेलिंग के लिए बताया है। तो चलिए दोस्तों, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं।
देखिए निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 11,542.85 है। अगर आपको इस पे शॉर्ट सेलिंग करना है 11,530 के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 11,570 पे रखना है। पहला टारगेट 11,490 और सेकेंड टारगेट 11,450 पे रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में जानते हैं। बैंक निफ्टी का जो करेंट मार्केट प्राइस है 29,405 है। अगर आपको इस पे शॉर्ट सेलिंग करना है 29,350 के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 29,500 पे रखना है। पहला टारगेट 29,200 और सेकेंड टारगेट 29,050 पे रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांच स्क्रिप्ट के बारे में एनालिसिस, जो आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर रूल को फॉलो करके कल आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।